द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट वर्ल्ड कप बहुत बहुत सालों के बाद में वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वर्ल्ड कप जो हुआ है ट्वेंटी नाइन डेज का फीफा नाव इट इज़ ओवर नाव वी नो द हीरो नाओ वी नो द विनर स्क्रीन पे आपके सामने हैं सो so, अगर आप मेसी के फैन हैं लाइक मी तो आप इंजॉय कर सकते हैं एंड जस्ट लेट यू नो दैट मेसी एंड रोनाडो के दोनों के आप साइमल टेनिसली फैन हो सकते हो यू डोंट हैव टू बी राइवल्स सो ऑन देट नोट लेट्स चेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग फ़ीफा सो फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू स्टार्ट हुआ था ट्वेंटी एथ नवंबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन डेज चला एंड हुआ फिनिश हुआ एटीन दिसंबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू द शॉर्टेस्ट वर्ल्ड कप सिंस अर्जेंटीना में जो हुआ था 1978 1978 में so, 1978 में सो कहा हुआ था अगर पूछेगा तो इस साल का जो विनर है अर्जेंटीना वहां पे हुआ था तो, तो दैट वे कनेक्शन बना के चीजों को याद रखिएगा अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द ओपनिंग दिंग ऑफ शेख तमीम बिन हामिद अल थानी आमिर ऑफ द स्टेट ऑफ कतार सॉरी कुछ ऐसे नाम आएंगे जो इंडियन नहीं है तो प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो सकता है सो आई अपोलोजाइज इन एडवांस सो इन यहाँ पे हु रिप्रेजेंटेड एट दी ओपनिंग इवेंट तो उन जो हमारे आ, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन जो है ना उनके उसके बाद में विल सी कि फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कब हुआ था नाइनटीन थर्टी को हर चार साल में होता है 1942 एंड 46 वर्ल्ड वॉर टू के कारण ये दोनों इवेंट आठ साल आ, ये जो आठ साल थे ना 42 आ, 42 में और 46 वाले में नहीं हुआ था हाउ मेनी नेशन पार्टिसिपेटेड इन दिस वन 2022 वाले में तो देर वर 32 पार्टिसिपेंट्स जिसमें इंडिया नहीं क्वालिफाई कर पाया था इस वर्ल्ड कप को होस्ट किसने किया था तो होस्ट किया था कतर ने कतर बिकेम द फर्स्ट अरब नेशन टू तो होस्ट फीफा एंड सेकेंडली ये जो ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा फ़ीफा है जो कि मे जून एंड जुलाई में नहीं हुआ है जनरली जितने भी फ़ीफा है दैट हैपन्स इन द मंथ ऑफ मे जून एंड जुलाई एंड ये इसलिए नहीं क्योंकि कतर में ये होना था और समर के सीज़न में कतर में एक्सट्रीम गर्मी होती है तो गर्मी में फ़ीफा खेलना वॉज इम्पॉसिबल इसलिए इट वॉज़ हेल्ड इन द इन लेट नवम्बर एंड डिसम्बर के मंथ में ताकि इन्वायरमेंट उनके लिए सूदिंग हो सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ये भी याद रखिएगा फर्स्ट टाइम अरब नेशन में हुआ था एंड दूसरी इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है कि फर्स्ट टाइम होस्ट नहीं किया गया है मई जून एंड जुलाई के मंथ में मैस्कोड फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2022 तो मैस्कोड जो था वो था लईब लईब बेसिकली वो जो हेड ड्रेस होता है जो अरब मैन पहनते हैं विच वॉज इंस्पायर्ड बाय खफिया इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन खफिया या सो खफिया ही होना चाहिए अगर आई डोंट नो इफ आई एम राइट और नॉट सो ला ईब आप स्पेलिंग याद रखिए कि मैस्कॉट क्या था तो मैस्कॉट था लाईब इंस्पायर्ड बाय uh, खफिया खफिया बेसिकली एक ट्रेडिशनल हेड ड्रेस है जो कि अरब मैन पहनते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं तो इस साल का जो फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वो किसने खेला था अर्जेंटीना एंड फ्रांस हम सभी जानते हैं बट जिन जो लोग फुटबॉल प्लेयर या फिर फुटबॉल फॉलो नहीं किए हैं कल का मैच फॉलो नहीं किए हैं उनके लिए रिमेंबर कि अर्जेंटीना एंड फ्रांस एंड जो फ़ीफा है वो किसके अगर आपको ऐसे याद रखना है तो फ़ीफा में ही ठीक है एफ से फ्रांस आ जाएगा ए से अर्जेंटीना आ जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट ठीक है ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं सो so, विनर कौन था अर्जेंटीना ठीक है अर्जेंटीना ए से अल्फ़ाबेट अगर ए और एफ़ में अल्फ़ाबेटिकली कौन सा आ रहा है अर्जेंटीना दैट वे आप याद रख सकते हैं फॉर दोज हु आर नॉट द फुटबॉल फॉलोअर्स जिनको नाम याद रखने में प्रॉब्लम होगा तो फीफा का एफ़ से फ्रांस और ए से अर्जेंटीना एंड अल्फ़ाबेटिकली जो पहला आता है वही विनर हो गया फिर है विच कंट्री हैज़ वन अच्छा ये वन जो है विनर का जो नाम था लास्ट ईयर वो फ्रांस था तो इस बार फ्रांस रनर अप रहा है और लास्ट ईयर का जो वर्ल्ड कप था वो फ्रांस जीता था कहाँ पे हुआ था रशिया में और कौन से ईयर में हुआ था तो वो हुआ था ईयर 2018 में किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा टाइम मैक्सिमम टाइम फीफा का वर्ल्ड कप टाइटल ले गया है तो वो है ब्राज़ील पाँच बार इन्होंने जीता है इसके बाद ट्वेंटी में 2026 वाला वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है तो ये तीनों कंट्री से मिला के होगा यूएसए मेक्सिको एंड कनाडा अब फ्रांस और अर्जेंटीना अजिन, के बीच मैच हुआ जिसमें स्कोर क्या रहा तो जो मेन जो स्कोर था मैच ड्रॉ हुआ था थ्री थ्री से अर्जेंटीना और फ्रांस तीनों दोनों ने तीन तीन गोल मारे थे बहुत इंटरेस्टिंग मैच था एंड स्कोरबोर्ड uh, में पेनल्टी uh, कॉर्नर जो होता है पेनल्टी के थ्रू पेनल्टी शूट आउट में फ़ोर इस टू टू के रेशियो से अर्जेंटीना ने ये कप uh, लेके गया है फ़ोर इस टू टू से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है और इस पूरे uh, इन जितने भी गोल पड़े हैं इन सब में तीन दो गोल मारा है मेसी ने लियोनल मेसी ने एंड हैट्रिक मारा है काइलियान बाप्पे ने ठीक है एंड अनदर थिंग कि दिस इज द थर्ड टाइम अर्जेंटीना ने टाइटल uh, लिया है फीफा वर्ल्ड कप का पांच बार किसने लिया है ब्राज़ील ने तीन बार अर्जेंटीना ने ठीक है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हु अनवील्ड द फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किसने उठाई थी तो ये है दीपिका पादुकोन अलोंग विद द फॉर्मर स्पेनिश गोल कीपर आई की आर कैसियास आई थिंक कैसियास ही बोलते हैं इनको इफ आई एम मिस प्रोनाउंसिंग द नेम तो प्लीज स्पेलिंग याद कर लीजिए तो इन दोनों ने दे बोथ अनवील्ड द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी

इसमें से गोल्डन बॉल उसे दिया जाता है जो सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ प्लेयर होगा टूर्नामेंट में गोल्डन बूट दिया जाता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल मारे हैं तो अवार्ड में गोल्डन बॉल दिया गया है मेसी को और बूट दिया गया है बापे को एंड गोल्डन ग्लव का अवार्ड दिया गया है एमिलियन मार्टनिज ये फ्रांस ये अर्जेंटीना के हैं तो इन तीनों चारों अवार्ड में तीन अर्जेंटीना के प्लेयर को मिला है एंड गोल्डन बूट जो मिला है वो है काइलियान मबापे को इसके बाद में फीफा का यंग यंग प्लेयर अवार्ड किसको मिला है एनजो फर्नांडिस ये भी अर्जेंटीना के हैं तो इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप इस का स्क्रीन शॉट मार के रखिए सो so, ये कुछ मोस्ट इम्पॉटेंट इन्फॉर्मेशन थी फ़ीफा से रिलेटेड और जो बची कुछ ही इन्फॉर्मेशन होगी कुछ ऐसी न्यूज़ या फिर कोई ऐसे फैक्ट्स जो कि फ्यूचर में न्यूज़ पेपर में कवर होंगे तो दैट इज़ समथिंग आई विल कवर इन द अपकमिंग वीडियोज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एनी फीडबैक उसे भी कमेंट करके बताइए एंड इफ़ यू हैव योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेरिंग फॉर द सेम एग्ज़ाम तो आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो